माई ट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब गाइज? उम्मीद करती हूँ आप सब सही होंगे, खैरियत से होंगे, और अल्लाह का शुक्र है हम भी ठीक हैं। और आज है ईद का तीसरा दिन, तो गाइज़ बिल्कुल भी खाना खाने का दिल नहीं चाह रहा। अब मैं आज बनाने जा रही हूँ तुरई, और आज हम सबको अम्मी के भी जाना है, क्योंकि हम ईद के दिन नहीं गए, दूसरी ईद को भी नहीं आए, तीसरी ईद है, तो आज इंशाल्लाह जाएंगे और आप लोग भी हमारे साथ चलना। और देखिए, मैंने तो काम करते करते बर्फ़ डाल के गिलास में रख दी है, ताकि मैं ठंडा ठंडा पानी पी दे रहा हूँ। देखिए आज बैठी आज बैठी और गाइस देखिए, हमारा कूलर अभी बंद है। अर्शनिका अभी मत चलाओ, क्योंकि ये अभी नहा के आए ना, अभी नहा के आए, घर भी मैंने पानी डाल के बहुत अच्छा ठंडा कर दिया क्लीन, तो हमारा घर भी अभी तो चलो ठंडा हो रही, अभी थोड़ी देर में गर्मी होगी। और ये विंडो खोल दी है तो थोड़ी थोड़ी सी हवा आ रही, वैसे गर्म हवा तो गर्मी आ रही है, लेकिन आ रही है थोड़ी थोड़ी। और देखिए मैं दिखाती हूँ आज आपको मैं क्या बना रही हूँ। आज कल से मेरा सब्ज़ी खाने का दिल चाह रहा, तो आज मैंने बनाई है, मंगाई हैं तुरई। तुरई भी वो कैसी सूखी भी मिल रही, गर्मी की वजह से बिल्कुल बेकारी तुरई हैं ये, तो कितनी बुरी गाय देखना, गर्मी से देखना तुरई भी सूख गई, पीली पीली हो रही, ये तो टेस्ट टेस्ट बनेंगी अच्छी भी नहीं होगी, इतनी गर्मी पड़ रही है कि इंसानों की बुरी हालत है, सब्जियों की भी देखना। ये तो कुछ सही भी है, बाकी और तुरई तो बहुत ही ख़राब है। देखिए अब मेरा किचन, बर्तन, घर की क्लीनिंग ये सब हो चुका है, बस जल्दी तुरइयों को काट के मसाले वाली तुरइयाँ बनाऊंगी। इसकी रेसिपी मैंने अपने चैनल पे डाली भी है, आप भी बना के देखना। मसाले वाली तुरइयाँ लाइट मसाले की होती हैं, और आप लोग चाहें तो उसको दही के साथ खाएं, ऐसे भी बहुत अच्छी लगती हैं, रोटी पराठे किसी चीज़ से भी। तो अर्श क्या कर रहा हूँ, तो चलिए हम काम कर लें, खाना बना लें, नमाज़ के बाद आपसे मिलते हैं। असर की अजान हो गए गाइस, और मैं भी जा रही हूँ नमाज़ पढ़ने। गाइस मैं अब फ्री हुई हूँ सुबह से, काम करते करते मुझे ये टाइम आ गया, और मैंने तुरइयाँ और रोटी बना ली है, और नमाज़ पढ़ने के बाद मैं खाना खाऊंगी। और खाना खाने के बाद मैं पहले जाना है मुझे अर्श का स्कूल का सामान लेने। देखिए अगर टाइम ज़्यादा नहीं हुआ तो लेने जाऊंगी, नहीं तो फिर कल ही लेकर आऊंगी, और फिर जाऊंगी अम्मी के। और गाइस देखिए घर में कितनी सुनसान लग रही आपको, वैसे जब मैं कैमरा ऐसे घुमाती हूँ तो आपको अर्श दिखता कहीं ना कहीं, लेकिन गाइस अर्श अपने मामा के साथ चले गए हैं नानी के, वो मामा उनको उसको ले गया बॉल दिलाने, बोला मामा मुझे बॉल दिला दो, तो मामा लेके गया है उसका उसे स्पोर्ट की शॉप पर, वहाँ से बॉल लेकर वो चला जाएगा नानी के, और आज खेलेंगे वो मैच और स्विमिंग पूल में मस्ती करेंगे। कह रहे थे मम्मी मैं बहुत दिन से स्विमिंग पूल में एक ही बार नहाया हूँ, मैं स्विमिंग पूल में नहाऊँगा, तो अपने कपड़े भी ले गए हैं और मैं भी जाऊँगी। और देखिए आज हम अपना कूलर ऑन करके पढ़ेंगे नमाज। माशाल्लाह। और गाइस मैंने कल आपको ना बताया था कि मैं कल के व्लॉग में आपको बताऊंगी कि ये कूलर हमें किसने गिफ्ट में दिया, तो गाइस मैं उन्होंने मना कर दिया कि हमारा नेम मत लेना, तो इसलिए मैं आपको नहीं बता सकती। बस अल्लाह का शुक्रिया अदा करती हूँ कि इतना अच्छा कूलर है, बहुत अच्छा लग रहा है। अर्श भी कहता हूँ मेरी रात बहुत अच्छी नींद आई आराम से सुकून से कूलर चला के। चलिए नमाज़ पढ़ लें, खाना खा लें, उसके बाद आपसे मिलते हैं। गाइस अब हम लंच कर रहे हैं। देखिए असर की अजान हो गई है, नमाज भी पढ़ ली है, और देखिए हमारी ये टेस्टी तुरइयाँ भी रेडी हैं, कितनी यम्मी लग रही है। मैंने इसमें हरी मिर्च डाली, थोड़ी मिर्च तेज़ हो गई, वैसे बढ़िया बनी है। और यहाँ है ये कल का हलीम, ये खाएँगे आज के रेडी, मैं नहीं खाऊँगी। और देखिए यहाँ इतना बढ़िया दही है, क्रीमी, आप देख रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है, इसके अंदर गैस की मलाई है दही, हमारे घर के पास बहुत ही अच्छा दही मिलता है, टेस्टी। अब हम खाना खाते हैं और उसके बाद आपसे मिलते हैं। खाना खाने के बाद गाइस में चली गई थी मार्केट, और देखिए ये है सीएल गुप्ता आई हॉस्पिटल, ये मंडी चौक में है और बहुत अच्छा हॉस्पिटल है आँखों का। उसी के सामने ये एक होल सेल की शॉप है जहाँ से मैं अर्श का हॉलीडे होमवर्क का सामान लेने आई थी। तो देखिए यहाँ से ये चार्ट मैंने ले लिए थे, इसकी पिक्चर कट होकर स्क्रैप बुक में लगनी है,
तो हमें सारे चार्ट नहीं मिल पाए थे, उनके भैया के पास ख़त्म हो गए थे, वो कह रहे थे बच्चे हम पहुंच गए हैं अम्मी के यहाँ। यहाँ अम्मी क्या मुझे आए हुए आधा घंटा हो गया है, कूलर की चल रही ठंडी ठंडी हवा और नूर बना रही है आज परवल। मैंने भी बहुत दिन से परवल खाए नहीं है। नूर बना रही परवल और नूर बना रही है आलू कट किए हैं। ये बन रही है परवल की ग्रेवी जो परवल के अंदर फिल करा जाएगा। और यहाँ व्लॉग और यहाँ पर नूर बना रही है क्या पनीर आलू पनीर रखा है यहाँ पर। देखो कौन क्या देखिए ये है पनीर। तुम क्या लाएंगी? तुमने इसको इतना पका लिया भुनेगा पूरा। अच्छा यहाँ सब लोग बैठकर कर रहे हैं बातें अम्मी अप्पी और समीना और यहाँ बैठे हैं सारे बच्चे। अरे बच्चों क्या कर रहे हो ये? नहीं 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 आज नहीं आज नानी के घर का कबाड़ा मत करो रहने दो। देखिए गाइस यहाँ नूर बना रही है सीख के कबाब फ्राई पैन में बढ़िया वाले। देखिए गाइस यहाँ नूर ने बनाया है पनीर और सोयाबीन की बड़ी है आलू का साला एकदम डिलीशियस लग रहा है बढ़िया। खाना खा लो। देखिए गाइस ये बढ़िया वाले परवल भी बनाए हैं नूर ने। नूर बहुत ही अच्छे अच्छे खाने बनाती है मेरी पसंद के। गाइस देखिए अल्लाह का लाख लाख शुक्रिया अदा करते हैं अल्लाह ताला ने बारिश कर दी। पता है गाइस सुबह से दुआ मांग रही हूँ अल्लाह से। अल्लाह का लाख लाख शुक्रिया अदा करती हैं अल्लाह पाक आपका लाख लाख शुक्र है। देखिए कितनी देर बारिश देखिए गाइस अगर मैं कपड़े ले आती ना मैं नहाती लेकिन बिजली बहुत तेज़ है। गाइस आप आवाज़ सुन रहे हैं बारिश की देखिए धुआंधार कितनी बारिश है। देखिए गाइस बहुत ही मज़ा आ रहा है बारिश में। ये अल्लाह मैं सच्चे दिल से अपने अल्लाह का शुक्रिया अदा करती हूँ। मेरे अल्लाह अल्लाह पाक ऐसी मेरी दुआओं को अपनी कबूल करते रहना अल्लाह पाक। गाइस आज तो नहा रहा है बारिश में बिजली चमक रही आज कैसी फीलिंग आ रही है तुम्हें नहाने में? और रमान भी आ गया रमान मम्मी मारेगी। भागना मत बस। यहाँ पर गाइस इतनी तेज की बारिश थी धुआंधार मैं आपको क्या बताऊँ और मुझसे रुका ही नहीं गया। मैं आर्ट सारे बच्चे सब बारिश में नहाने के लिए चले गए। फिर हम ऐसे ही गीले कपड़े पहने अपने घर आ गए क्योंकि हम कपड़े लेकर ही नहीं गए थे। और इतना अच्छा लग रहा था बारिश में ठंडी बारिश थी। गाइस अभी मैं दोबारा आऊँगी बारिश में पहले मैं फ़ोन रख के आती हूँ अपना क्योंकि बारिश तेज़ है भीगने लगा है। फ़ोन रख के फिर आती हूँ थोड़ा सा बारिश में भीगने के लिए। मैं तो बारिश में नहा के आई और नहाने जा रही हूँ बड़ा मज़ा आ रहा बहुत तेज। अर्ज चलो रब्बान अर्ज को भेज दो गई घर चलो। फाइनल गाइज हम पहुँच चुके हैं अपने घर। अर्ज को भी लेके आ गई हूँ मैं और ये उस दिन की तरह ही एक विंडो को खोलना पड़ेगा गर्मी बहुत हो रही कमरे में। गाइज इस व्लॉग का एंड मैं यहीं करती हूँ। कल इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप सब मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जो मुझे न्यू वॉच कर रहा है मेरे व्लॉग को आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।